फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलोन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुजलोन एनर्जी ने बहुत ही शानदार आज फिर से तेजी बताई और आपने देखा होगा कि दूसरी तरफ बाजार में गिरावट थी, निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी, उसके बावजूद भी सुजलोन में तेजी बनी। इसके पीछे असली वजह क्या है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव बातें जिसको डिस्कस करने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि वाकई में सुजलोन एनर्जी आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। कुछ लोग हैं जो लगातार अफवाह फैलाए जाते हैं कि यहाँ पे सुजलोन एनर्जी एएसएम लिस्ट में आ चुका है, अब ये स्टॉक गिर जाएगा। वैसी कुछ बात नहीं है। अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपके मन के सारे वहम निकल जाएंगे। यहाँ पे एक बात और है कि जब भी आप शॉर्ट टर्म नजरिए के हिसाब से निवेश करते हो तो आपको समय समय पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको डरने की कोई बात नहीं, सुजलोन एनर्जी आने वाले समय में आपको मालामाल कर देगी। तो ये पूरा वीडियो देखे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बाकी में सुजलोन एनर्जी दूसरों से हटकर क्यों है। साथ में ऊर्जा ग्लोबल में आज भी थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली। क्या ऊर्जा ग्लोबल आने वाले समय में नीचे जाने वाला है या फिर अब हमें आने वाले समय में इसमें तेजी फिर से बन सकती है? तो क्या ऊर्जा ग्लोबल में हमें निवेश बनाए रखना चाहिए? क्या है सारी संभावना ऊर्जा ग्लोबल की? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस वी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक आज ओपन हुआ 11 पर, हाई बनी 11.60 की, लो है 10.65 का और एंड में 11.50 की हमें क्लोजिंग देखने को मिली। 3.60% की शानदार तेजी देखने को मिली। ये तेजी बनी उसके बावजूद भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको निफ्टी एनर्जी में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी एनर्जी में आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी, उसके बावजूद भी सुजलोन एनर्जी ने कमाल किया। आप देखोगे तो 31 मार्च को इसकी प्राइस 9 रुपीज़ के आसपास थी, फिर स्टॉक दौड़ते हुए करीब 12 रुपीज़ को पार कर गया 8 अप्रैल को। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली और ये प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। इससे पहले मैंने आपको बार बार बोला था कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करते हैं। आप देखते होंगे इसके वॉल्यूम को, लगातार वॉल्यूम तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस वॉल्यूम के वजह से ही सेबी ने इनको क्लेरिफिकेशन मांगा था कि ये आपका वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है। और यहाँ पे बड़े फंड हाउस जब खरीदारी करते हैं तो उनके लिए 20% जो प्रॉफिट है वो भी मायने रखता है। कम समय में अगर उनको 4 से 5 दिन में अगर 20% भी मार्जिन मिलता है तो वो प्रॉफिट अपना बुक करेंगे ही। इसलिए आपको ये बात को ध्यान रखना है कि जब भी स्टॉक दौड़ेगा तो थोड़ा तो रुकेगा ही रुकेगा, एक तरफा नहीं दौड़ेगा। और ये बात आज साबित हो गई कि कल की प्रॉफिट बुकिंग के बाद आज फिर से स्टॉक ने दौड़ना शुरू कर दिया जबकि निफ्टी एनर्जी में गिरावट थी। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि एक तरफा तेजी कभी नहीं बनती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुजलोन कमजोर हो गया है। यहाँ पे आज पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे था और ये बड़े फंड हाउस की खरीदारी का नतीजा है कि यहाँ पे आपको ये वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर किसी ने अगर ये माल बेचा होता बड़ी क्वांटिटी में तो यहाँ पे वो गिरावट दिखाई देती है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे तेजी बनी है इसका मतलब यह है कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने अच्छी खासी खरीदारी की है। और इसीलिए किसी की बातों में आपको नहीं आना है और इसमें निवेश आपको लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखना है। यहाँ पे वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 11 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, कल भी 11 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज भी 11 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम एक जैसा है, यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी दिखाई देगी। फ्रेंड्स, इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो 4.40 52 वीक का लो है, 13.10 52 वीक आई है फिलहाल स्टॉक, 11.35 पर है। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। यहाँ पे जो बातें निकल के आती है कि सुजलोन एनर्जी को एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया स्टेज वन में, तो एक बात आप क्लियर समझ लो, बिल्कुल नहीं है, स्टेज वन में नहीं है। ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है इसको, जो एक थोड़ी सी उनकी तरफ से जांच करते हैं ये देखने के लिए कि जो वॉल्यूम बढ़ रहा है इसके पीछे असली वजह क्या है, न कि इसको स्टेज वन में डाला गया। स्टेज वन का मतलब ये होता है कि वहाँ पे बहुत सारी बातें होती है सामने, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, और ये जब उनको समझ में आ जाएगी बात तो उसको निकाल भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि अब क्या होगा स्टेज वन में आ गया, तो कुछ भी ऐसी बात नहीं है। आप चाहे यस बैंक को ले लो या सुजलोन एनर्जी को, इनको सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए स्टेज वन में रखा गया, ये जल्दी बाहर आ जाएंगे, उससे स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपको ये ध्यान रखना है ये पूरी तरह से फिलहाल स्टेज वन में नहीं है, क्योंकि जो मेन स्टेज वन की लिस्ट है उसमें ये पूरी तरह से क्लियर है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए स्टेज वन में रखा गया, उसका कोई भी मीनिंग नहीं है। अदानी टोटल गैस और अदानी पावर ये ऑलरेडी स्टेज वन में है मुख्य लिस्ट के अंदर। आप देखोगे लॉन्ग टर्म के लिए इनको लगा के रखा हुआ, कब से ये स्टेज वन में, उसके बावजूद इनकी प्राइस लगातार बढ़ रही है, तो आप समझ लो स्टेज वन में होने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आप देखोगे ट्राइडेंट लिमिटेड काफ़ी समय से स्टेज 4 पे था, उसके बावजूद भी वो स्टॉक बढ़ते हुए 56 तक भी चला गया था। तो इसलिए बोलता हूँ इन सब बातों में ना आए, आपको एक ध्यान रखना है वाकई जो कंपनी मजबूत है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसलिए ये स्टेज के चक्कर में ना पड़े। और फिलहाल सुजलोन एनर्जी बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला स्टॉक है, ये इंडिया की नंबर 1 रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कंपनी अपने वेबसाइट पर मैंशन कर रही है ये नंबर 1 है पूरे इंडिया में। फ्रेंड्स, 19,108 मेगावाट का इंस्टॉलेशन ऑलरेडी ये कर चुके हैं और 12,224
टोटल इनका इंस्टॉलेशन हो चुका है और 1800 इनके कस्टमर्स है ग्लोबल लेवल पर। यहाँ पे आप देखोगे कंपनी की सब परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। 90% जो कस्टमर इनके रिपीट होते हैं, ये इनके लिए काम के प्रति जो इनकी लगन है उससे एक बात साथ में समझ में आ जाती है कि जहाँ पे इनके 90% कस्टमर रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब बार बार ऑर्डर दे रहे हैं, इसका मतलब कंपनी बहुत मजबूती से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। इनके पास 3500 बहुत ही मजबूत और शानदार ग्लोबली डेडिकेटेड इंजीनियर्स की एक फौज है और जिसके दम पे इनको कामकाज मिलता है। इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि कंपनी लगातार अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है और यहाँ पे इनका जो वर्किंग पावर है वो एक तरह से ये कंपनी की मजबूती सबसे बड़ी बात यही है कि ये कंपनी हर तरह का काम करके देती है विंड पावर के लिए, यानी जमीन अधिग्रहण से लेके उसका लाइसेंसिंग करने से लेके उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने से लेके सारे काम करके देती है कंपनी। इतना अनुभव किसी कंपनी के पास नहीं है और इसीलिए अदानी ग्रुप ने भी इसको बड़ा ऑर्डर दिया था। यहाँ पे आप देखोगे तो 17 कंट्रीज में इस कंपनी का कामकाज है, एडवांस टेक्नोलॉजी के दम पे काम कर रहे और इसीलिए कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। आपको ध्यान रखना है ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है और इसीलिए यहाँ पे आप निवेश करें, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, ये स्टॉक वाकई में आपको आने वाले 5 साल में 500 का टारगेट दिखाएगा। फ्रेंड्स, कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 84% बाइक की कॉल है, 12% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब ये हो गया कि 100 में से 88% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 10.63 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 10.17 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 9.38 का है, ऊपर की तरफ मूव करने पे 11.88 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 12.67 की प्राइस देखने को मिलेगी और ये पार कर लिया तो फिर 13.13 यानी बिल्कुल नई हाई बनाने को स्टॉक तैयार है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, बने रहे, स्टेज वन में स्टॉक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ शॉर्ट लिस्ट में डाला गया है, इससे आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। लोग छोटी सी बात को बड़ी करके लोगों को डरा देते हैं, रिटेल इन्वेस्टर वाकई में डर जाते हैं और फिर गलत निर्णय ले लेते हैं, अपना जो निवेश है उसको लॉस में निकल जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है और मैं आपको बार बार कहता हूँ, जिसका नजरिया शॉर्ट टर्म का है उनको थोड़ा सा प्रॉफिट मिले प्रॉफिट बुक कर ले और ना हो तो कम से कम स्टॉप लॉस लगा के चले। यानी आपको अगर डर लगता है कि कहीं इसमें लोअर सर्किट ना लग जाए तो आप पर डे आप 4% नीचे स्टॉप लॉस लगा दें। जैसे ही स्टॉक नीचे आएगा आपका सौदा कट जाएगा, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये ध्यान रखें। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे। मैं वाकई में आपको सुजलन के बारे में हर डिटेल जानकारी देता हूँ, आज से नहीं पिछले 2 साल से, और वाकई में ये कंपनी सबसे हटकर है। आने वाले समय आप देखना किसी बड़े ग्रुप के अंदर इसकी मर्जर की संभावना पूरी बनी हुई है, ये बिल्कुल पॉसिबल होगा क्योंकि कंपनी वाकई में सबसे हटकर है। चलते हैं हम ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। तो स्टॉक आज 18.20 पर आ चुका है, जहाँ पे 2.15% की गिरावट देखने को मिली और पिछले 2-3 दिन से थोड़ी थोड़ी गिरावट लगातार जारी है। आज इसने लो भी बनाया था 17.80 का, लेकिन 18.75 का हाई बनाया था और ये शुरुआत में, उसके बाद में ये नीचे ही गया। वो फिलहाल वीकनेस में स्टॉक है, वॉल्यूम भी काफ़ी कम हो चुका है, यहाँ पे लोगों का रुझान काफ़ी कम लग रहा है, इसलिए तेजी नहीं बन पा रही है। आप देखोगे तो पिछले 1 महीने पहले इसका 46 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 62 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 35 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज बहुत ही कम 29 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो थोड़ा सा जिसने भी निवेश किया उसको भी वेट करना है, इसमें बड़ी गिरावट की तो संभावना नहीं है, लेकिन अभी तेजी भी दिखाई नहीं दे रही है मुझे, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जैसे लॉन्ग टर्म बने रहे, ये आने वाले समय आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देगा। 5.10 52 वीक का लो है, 33.40 52 वीक आई है, फिलहाल स्टॉक 18 पर है। और जब ये एक तरफा दौड़ा था तब भी मैंने कहा था कि इसमें प्रॉफिट बुक कर लो, मैंने 20 के ऊपर तो आपको लगातार बोला था कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्योंकि एक तरफा कोई भी स्टॉक दौड़ता नहीं है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग तो आती ही आती है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 100% बाय की कॉल है। एक बार इसके पीवोट लेवल को भी चेक लेते हैं तो 18.35 फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 18.10 की प्राइस देखने को मिलेगी, नीचे और गया तो 17.70 तक जा सकता है, ऊपर की तरफ मूव करने पे 19 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 19.40 की प्राइस देखने को मिलेगी, तीसरा रेजिस्टेंस 19.65 का। तो फिलहाल स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे एक तरफा तेजी बन सकती है क्योंकि कंपनी बहुत तेजी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है, तो निवेश बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।